नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल DTH टिप्स में। दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है काफ़ी बॉक्स में कि मशीन चिप आईडी इज इनलीगल, ऐसा बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आप कैसे चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में वीडियो है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो पगारिया का ये बॉक्स है और इसमें ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मशीन चिप आईडी इनलीगल ही आ रहा है, इसमें ना तो कोई चैनल चलता है और ना ही बॉक्स वर्क करता है। दोस्तों ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों अगर आप अपने बॉक्स में कोई गलत सॉफ्टवेयर डाल दो, जो इसका जो बोर्ड लगा है इसका कोई सॉफ्टवेयर नहीं और आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर डाल दो, तो इसमें ये प्रॉब्लम आ जाता है, यानी कि आपके बोर्ड में सॉफ्टवेयर मैच नहीं करता तो मशीन चिप आईडी इज इनलीगल, ऐसा एरर आता है। दोस्तों आप इसको रिकवर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाए तो आप इसको स्कैनिंग करेंगे तो भी कोई चैनल नहीं चलेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सेटअप बॉक्स बिल्कुल डेड हो गया, यानी कि चलता है लेकिन कोई काम का नहीं है। यहाँ पे इसमें कोई चैनल भी नहीं आता और कोई भी प्रोग्राम वर्क नहीं करता, इसमें यही एरर आता है मशीन चिप आईडी इज इनलीगल। दोस्तों ऐसे टाइम पे आपको इसको रिकवर करना है तो आप यूएसबी से नहीं कर सकते, इसके लिए आपको RS232 केबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे इसका प्रॉपर यूज़ कैसे करते हैं इसके बारे में बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे कुछ बॉक्स में RS232 का स्लॉट आपको मिल जाता है पर कुछ बॉक्स में आपको नहीं मिलता। तो दोस्तों यहाँ पे पगारिया के बॉक्स है इसमें RS232 का स्लॉट नहीं मिलता, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे इसका सॉकेट दिया हुआ है, RS232 का सॉकेट दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा RS232 केबल और इसको लोडर के जरिए रिकवर करना पड़ेगा, तभी ये रिकवर हो पाएगा और ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप डायरेक्ट यूएसबी से करेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक मेरे पास नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे ऐसे करने के लिए आपको एक RS232 केबल चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास RS232 केबल है और यहाँ पे ये बोर्ड में जो सॉकेट है इस टाइप का मैंने सॉकेट बनाया है। तो दोस्तों ये सॉकेट है और यहाँ पे मेल का है, RS232 मेल है और यहाँ पे इस प्रकार का सॉकेट है। दोस्तों यहाँ पे ये सॉकेट लगा देना है इस तरह, यहाँ पे आप लगा देंगे तो आपके बॉक्स में RS232 का सॉकेट हो जाएगा। और अगर आपके पास ऐसा सॉकेट नहीं है तो आप डायरेक्ट केबल लगा के भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो केबल देने पड़ते हैं RXT, GND and TXT, तो इसका लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो सब कुछ डिटेल लिखी हुई है। तो दोस्तों यहाँ पे इस के जरिए आप इसमें केबल डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने इसका सॉकेट का यूज़ किया है, फिर दोस्तों आपको RS232 केबल है वो आपको यहाँ पे अटैच कर देना है। ये दोस्तों यहाँ पे RS232 का दूसरा सॉर है, वहाँ पे आपको ऐसा USB केबल लेना पड़ेगा। अगर आपका PC नया है तो ऐसा USB केबल अलग से लेना पड़ेगा, अलग कन्वर्टर लेना पड़ेगा। और पुराने PC में आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पुराने PC में आपको ऐसा पोर्ट मिल जाएगा और नहीं है तो आपको ऐसा कन्वर्टर अलग से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्टर में लगा देते हैं और यहाँ पे ये है हमें लैपटॉप या PC में लगा देना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप में ये लगा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे हमने जो RS232 केबल है वो सेटअप बॉक्स के डायरेक्ट लैपटॉप में कनेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक लोडर का यूज़ करना पड़ेगा, ये लोडर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने लोडर को ओपन कर लिया है, यहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ सेटिंग होता है वो आपको ध्यान में रखना है। तो चिप टाइप है यहाँ पे आपको अदर रखना है, बूट फाइल में आपको GX005S Generation S+ Boot रखना है, फिर सीरियल पोर्ट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिक आपके जो लैपटॉप है इसमें हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। और PC है तो भी हो जाएगा, लेकिन इसके लिए आपके जो लैपटॉप या PC में इसके USB के ड्राइवर होने चाहिए। यहाँ पे मोड टाइप में सीरियल डाउन रखना है, यहाँ पे आपको छेड़छानी नहीं करनी, सीरियल डाउन रखना है। फिर आपको यहाँ पे जो फाइल है यहाँ पे आपको जो सेटअप बॉक्स का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर है वो सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास पगारिया 5050, तो यहाँ पे हम इसका ओरिजिनल सॉफ्टवेयर सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम चूज़ कर लेते हैं पगारिया 5050। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास है पगारिया 5050 का सॉफ्टवेयर, वो हमने सिलेक्ट कर लिया है। आपके पास जो भी बॉक्स इसका जो सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ पे आपके PC में सेव होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया है, अब हम इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको लास्ट ऑप्शन मिलेगा स्टार्ट, तो यहाँ पे आपको सिंपल स्टार्ट कर लेना है। जैसे ही स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक मैसेज आएगा, वेट रोम रिक्वेस्ट प्लीज़ पावर ऑन द रिस्टार्ट द बोर्ड, यानी आपको जो सेटअप बॉक्स है वो रिस्टार्ट करना है मेन पावर से। तो यहाँ पे हम इसको रिस्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने बॉक्स
को मेन पावर से बंद करके शुरू किया। तो दूसरी यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइज लिख किया गया और इसका जो सॉफ्टवेयर होता है इसकी पूरी प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखा रहा है। तो दूसरी यहाँ पे आपके बॉक्स में कौन सा बोर्ड लगा है, इसमें रोम आईसी कौन सी है, फ्लैश आईसी कौन सी है, जो बोर्ड की सारी डिटेल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं परसेंटेज लिख के आ रहा है, स्टार्ट टू सेंड डेटा टू एसटीबी बोर्ड प्लीज वेट, यहाँ पे सेकंड लिख के आ रहा है। यहाँ पे ये ऐसा दिखा रहा है कि आपके बॉक्स में इसका डेटा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये परसेंटेज कंप्लीट होने चाहिए, 100% कंप्लीट होंगे तो आपका बॉक्स कंप्लीट स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है। अभी दोस्तों वीडियो लंबा हो सकता है तो इसलिए मैं इसका थोड़ा सा भाग क्रॉप कर लेता। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो प्रोसेस है वो ख़त्म हो गया है। अभी दोस्तों आपको RS-232 केबल है वो यहाँ से रिमूव कर लेना है। यहाँ पे आपका जो प्रोसेस ख़त्म होगा तो इस प्रकार का आपको मैसेज मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा कंप्लीट प्रोसेस ख़त्म हो गया। अभी हम जो RS-232 केबल है वो रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ये निकाल लिया RS-232 केबल और यहाँ पर हमारे जो PC में मैसेज आ गया कंप्लीट। अभी दोस्तों हमारा बॉक्स है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको ऑन कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा बॉक्स सही हुआ या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बॉक्स को स्टार्ट कर दिया है, यहाँ पे हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आ गया है और दोस्तों हमारा जो मशीन OTP इनलीगल जो प्रॉब्लम था वो हट गया है। दोस्तों ऐसे आप कोई भी सेटअप बॉक्स में मशीन OTP ID इलीगल जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप इसका USB से डायरेक्ट करेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए आपको RS-232 केबल का यूज़ करना पड़ेगा या तो फिर इसका जो चिप है वो निकाल के इसमें दोबारा प्रोग्राम करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा कोई भी ऐसा एरर नहीं आ रहा है, यहाँ पर हम स्कैनिंग करेंगे तो भी यहाँ पर ये एरर हट गया है। तो दोस्तों हमारा जो बॉक्स है वो कंप्लीट ठीक हो गया है। तो दोस्तों ऐसे आप आसानी से RS-232 केबल का यूज़ करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। दोस्तों मुझे आशा कि हमारा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल पर नए मेहमान हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हम मिलते हैं नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।